A very good morning to one and all. This is Pallavi in front of you. Today I am going to tell about the classification of commercial organization. That is your chapter number 4 in commerce. Friends, in the earlier chapter we have discussed profit and non-profit organization. Commercial organization are the type of the profit organization. It means the main motto of commercial organization to earn profit. So in this chapter, we are going to study about the commercial organization and the classification of commercial organization. So basically, friend, the first point is meaning of commercial organization. The meaning of the commercial organization, friend, these are those activities which the main profit is to earn money. जिनका main profit जो होता है, main motto जो होता है, money को earn करना होता है, उसको हम बोलते हैं commercial organization. Friend, it may be owned by one or group of person or more individual. ये किसी एक के या फिर मोर देन वन पर्सन के थ्रू भी रन किए जा सकते हैं. एंड इट्स एरिया इज वाइडली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैव ए वाइडली एरिया. फॉर एग्जांपल दैट इज इंडस्ट्रियल. ये इंडस्ट्रियल में भी हो सकती है, ट्रेडिंग में भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग. दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन इन विच कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जिस्ट. यानी इनका जो मेन मोटो होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है. इट मे बी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये छोटी बड़ी हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. नाउ बेसिकली स्टूडेंट, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर, सेकेंड वन इज पब्लिक सेक्टर, एंड थर्ड वन इज ज्वाइंट सेक्टर. सो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइवेट सेक्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर आर दोज एंटरप्राइजेस विच आर नॉट गवर्न बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू नहीं चलाई जाती. एंड द मेन मोटो ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट. और इनका जो मेन मोटो होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है. एंड दीज टाइप्स ऑफ सेक्टर आर नॉट रन बाय ओन बाय गवर्नमेंट. सो लेट्स स्टार्ट with the features of private sector. Now I am going to tell about the features of the private sector. What is the feature of private sector? First one is, friends, that is private ownership. What is the private ownership? Friend, private ownership means it is fully owned and controlled by private entrepreneurs. यानी ये पूरी तरह से private entrepreneurs के through run की जाती है. And it may be one इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन. और ये एक या एक से ज्यादा लोगों के थ्रू भी रन की जा सकती है. व्हेन ओन्ड बाय वन पर्सन, और जब ये वन पर्सन के थ्रू ओन करती है, दैट इज कॉल्ड ए सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल मीन सिंगल पर्सन. सोल मीन्स क्या होता है? सिंगल पर्सन होता है. एंड ए ग्रुप ऑफ पर्सन में ज्वाइन, और जब ग्रुप ऑफ पर्सन उसको ज्वाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए जॉइंट हिंदू फैमिली. उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं. और जब ज्यादा पर्सन करते हैं उसको, तो उसको हम ज्वाइंट स्ट्रॉन्ग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कह सकते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉफिट इज प्रॉफिट मोटो. एज पर से डेट स्टूडेंट्स, प्रॉफिट द मेन मोटो ऑफ दिस सेक्टर इज प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट. इनका जो मेन मोटो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है. जैसे कि प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर द रिस्क एक्ज्यूम्ड. प्रॉफिट क्या होता है? जो भी हम रिस्क लेते हैं. रिस्क मीन्स यू हैव इन्फ्यूज्ड कैपिटल. आप कैपिटल को लगाते हैं तो डेफिनेटली यू एक्सपेक्ट सम रिटर्न, एंड द रिटर्न इज इन फॉर्म द प्रॉफिट. और जो रिटर्न आप चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या होता है? वो प्रॉफिट के फॉर्म में रिटर्न होता है. सो दैट इज कॉल्ड ए प्रॉफिट मोटिव. नेक्स्ट इज नो स्टेट पार्टिसिपेशन. देयर इज नो स्टेट पार्टिसिपेशन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ये इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में ना ही तो किसी स्टेट का, ना ही किसी भी तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है. ये फुली प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू रन की जाती है. नेक्स्ट इज प्राइवेट फाइनेंस. द फाइनेंस आल्सो गॉट बाय इट्स ओनर.
क्योंकि ये ओनर इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पर्सन की, तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरफेरेंस नहीं होता, तो इसमें जो फाइनेंस अरेंज होता है वो भी प्राइवेट और इंडिविजुअल के थ्रू ही होता है, वो ओनर खुद लेके आते हैं, गवर्नमेंट इसमें हेल्प नहीं करती। इट मे बी इंडिविजुअल और ग्रुप, इट मे बी अरेंज बाय ओनर्स इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन, ये उन्हीं इंडिविजुअल और जो ओनर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू अरेंज की जाती है। सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप, he will arrange himself get all the funds, वो खुद ही अरेंज करेगी, क्योंकि सोल का मतलब सिंगल होता है, जैसे टेलर की शॉप होती है, पार्लर्स वगैरह होते हैं, तो ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर इनको अपने बिजनेस को रन करना है तो ये कैपिटल को, फंड्स को खुद ही लेकर आएंगे, इनकी गवर्नमेंट कोई किसी तरह से हेल्प नहीं करता। सपोज पार्टनरशिप है, ऑल द पार्टनर्स विल गेट द फंड, पार्टनरशिप में क्या करेंगे, पार्टनर्स ही अपने फंड्स को लेके आएंगे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंडिविजुअली कोई हेल्प नहीं करेगा। अब ज्वाइंट स्टॉक की बात करते हैं, हाउ दे रेज कैपिटल, वो अपनी कैपिटल्स को कैसे लेके आते हैं, दे विल रेज फंड बाय इशूइंग शेयर्स, वो अपने शेयर्स को इशू करके कैपिटल फंड्स को लेके आते हैं। दे कैन ऑल्सो रेज योर लोन, वो लोन भी ले लेते हैं, लोन ले सकते हैं, तो इस टाइप से वो जो जॉइंट स्टॉक होते हैं, कंपनी वाले होते हैं, वो अपने शेयर्स को इशू करके कैपिटल फंड्स को ला सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू लास्ट टॉपिक, दैट इज इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट, द मैनेजमेंट इज डन इंडिपेंडेंटली इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो मैनेज वो अपने काम को खुद ही करते हैं, खुद जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी बात होती है वो खुद ही सॉर्ट आउट करते हैं। अब इफ इट्स पार्टनरशिप, द पार्टनर विल मैनेज, अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनर्स मैनेज करते हैं। इफ इज इट जॉइंट स्टॉक, अगर हम जॉइंट स्टॉक की बात करते हैं, द डायरेक्टर विल मैनेज, तो वो उसमें जो डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। एंड हु इज द डायरेक्टर, डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो पर्सन होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो ले सकते हैं। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट 5 फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट वन इज प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप में क्या था कि इसमें इंडिविजुअली और ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ओनरशिप इसमें इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू हो सकती है, इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। थर्ड वन इज नो स्टेट पार्टिसिपेशन, किसी भी तरह का स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। और फोर्थ वन इज प्राइवेट फाइनेंस, फाइनेंस को सोल प्रोप्राइटरशिप में वो फाइनेंस खुद ही सोल पर्सन, सिंगल पर्सन अरेंज करता है, पार्टनर्स में दे गेट ऑल द फंड बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स के थ्रू। और स्टॉक कंपनी जो होती है, जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, वो इशूइंग शेयर, शेयर्स को इशू करके लोन के थ्रू अपने फंड्स को कलेक्ट करते हैं। और इंडिपेंडेंस मैनेजमेंट में हाउ टू मैनेज देयर कंपनीज और सेक्टर्स, वो अपने सेक्टर्स को, अपनी कंपनीज को कैसे मैनेज करेंगे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में दे मैनेज इटसेल्फ, हिमसेल्फ। और पार्टनर्स की बात करें तो इफ द पार्टनर्स, पार्टनर विल मैनेज देमसेल्फ, पार्टनर्स अपने आप मैनेज करते हैं। और जॉइंट सेक्टर में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, जिससे कि डायरेक्टर्स उनके डिसीजन को लेने में हेल्प करें। Now स्टूडेंट, next types of classification of commercial organization is the public sector. What is the public sector? Public sector are those enterprises which are owned and managed by the state and central government. ये sectors वो होते हैं जिनमें पूरी तरह से government का interference होता है, या तो central government, maybe central government or state government. Now let's start with the features of public sector. फर्स्ट वन इज स्टेट ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप क्या होती है स्टूडेंट, इट मे बी ओन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इट मे बी आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनरशिप मतलब जो इंटरफेरेंस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होगा। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर विच द इंटरफेरेंस इन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपके, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है, यानी उसके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। वाइल और उसी में देखें तो जो आपके दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है वो दिल्ली स्टेट यानी स्टेट ओनरशिप के अंदर आती है, उसको दिल्ली स्टेट मैनेज करता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। Second one is government control. Government control means in public sector they are totally governed by central and
स्टेट गवर्नमेंट, आइदर भी स्टेट और आइदर भी सेंट्रल. स्टूडेंट आपने देखी इसमें क्या पढ़ा था इन प्राइवेट सेक्टर में कि इसमें स्टेट पार्टिसिपेशन कुछ भी नहीं होता, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती. बट इन दिस पब्लिक सेक्टर इट इज टोटली गवर्न एंड ओन बाय द गवर्नमेंट. थर्ड वन इज सर्विस मोटिव. अब इसी तरह से आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए, इनका जो मेन मोटो होता है इन प्राइवेट सेक्टर द मेन मोटो इज प्रॉफिट मोटिव, बट इन पब्लिक सेक्टर द मेन मोटो इज सर्विस. इनका जो मेन मोटो क्या होता है वो सर्विस प्रोवाइड कराना होता है. फॉर एग्जाम्पल द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फूड ग्रेन. जो आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो फूड ग्रेन प्रोवाइड कराती है ना टू द पब्लिक, लोगों को एट द लोअर प्राइस, कम से कम प्राइस में फूड ग्रेन प्रोवाइड कराती है. जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है आपको पता है, तो इसमें क्या है सब एकदम लोएस्ट प्राइस पे खाना प्रोवाइड कराती है. और इसमें कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट को लॉस भी होता है, क्योंकि लोएस्ट प्राइस पे वो प्रोवाइड कराती है तो प्रॉफिट तो होता ही नहीं. और जैसे कि आपको फीचर्स में दे ही रखा है सर्विस मोटो, इनका जो मेन मोटो होता है वो सर्विस प्रोवाइड कराना होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट फाइनेंसिंग. स्टूडेंट क्वेश्चन अराइज देयर दैट फ्रॉम वेयर दे गेट फाइनेंस. इनको फाइनेंस कहाँ से प्रोवाइड होता है, इनको मीन्स वेयर पब्लिक सेक्टर गेट फ्रॉम द फाइनेंस. फाइनेंस कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है. सो गवर्नमेंट गिव्स ए लोन फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर. गवर्नमेंट क्या करती है कभी कभी इनको लोन प्रोवाइड कराती है. एंड दे गेट देयर फाइनेंस फ्रॉम एप्रोप्रिएशंस फ्रॉम इट्स बजट. और इनके बजट से ही इनको फंड्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. व्हाट इज द ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. स्टूडेंट देयर आर सम रूल्स व्हिच आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दीज रूल्स दिस प्राइवेट सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर्स आर रन. मतलब कुछ सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनके अंदर पब्लिक सेक्टर काम करती है. means they are operated by certain rules and regulation. There are some important and certain rules in which public sector are runs. So come to next classification of organization, that is joint sector. What is the joint sector? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, joint sector it is owned, managed and controlled by the private businessman, गवर्नमेंट एंड द इन्वेस्टिंग पब्लिक. यानी ज्वाइंट सेक्टर गवर्नमेंट के थ्रू भी रन किए जाते हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टिंग पब्लिक. जो भी पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है उनका भी शेयर्स होता है. यानी ज्वाइंट सेक्टर में सभी लोगों का शेयर्स होता है, गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट बिजनेसमैन का भी, और जो पीपल जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका भी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट सेक्टर. फर्स्ट वन इज मिक्स्ड ओनरशिप. मिक्स्ड ओनरशिप का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, it is run, it is owned, it is a combination, yeah, it is the owned by government and private businessman and the investing public. yani isme jo ownership hoti hai isme government ki ownership bhi hoti hai, government ka bhi share hota hai, private businessman ka bhi hota hai aur public ka bhi hota hai. second is combined management. combined management kya hota hai, it is managed by private पब्लिक नॉमिनीज बाय द गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टिंग पीपल. यानी इनको मैनेज करने के लिए जब ओनरशिप में गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, पब्लिक होते हैं, तो मैनेजमेंट करने के लिए भी तीनों के शेयर्स इक्वल ही होते हैं. जैसे ओनरशिप होती है उसी के अकॉर्डिंग वो मैनेज करते हैं. थर्ड वन इज शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल की बात करें तो जो कैपिटल होती है वो तीनों के थ्रू ही लाई जाती है. अब जैसे शेयर होता है इनमें तीनों का ही, 26% शेयर इज इन गवर्नमेंट का होता है, 25% आपका प्राइवेट बिजनेसमैन वालों का होता है, और 49% जो होता है वो इन्वेस्टिंग पब्लिक, जो पब्लिक इन्वेस्ट करती है वो होता है. इट मींस इन शॉर्ट द क्वेश्चन अराइज देयर हु कंट्रीब्यूट एंड हाउ मच कंट्रीब्यूट इन जॉइंट सेक्टर. कौन कितना कैसे कंट्रीब्यूट करता है जॉइंट सेक्टर में. इज इट टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज से and techniques of the sector which is in joint sector. तो 26% जो होता है वो government का होता है, 25% private businessman वालों का होता है, and जो 49% is investing public, जो लोग उसमें invest करते हैं. So student, this is the chapter of the
of you, chapter number 4, classification of commercial organization. That is meaning of first one, lesson at the glance. Commercial organization, it is meaning of that to earn profit, jiska meaning matlab keval profit motto hota hai, money ko earn karna hota hai. And there are three types of sector divided into commercial organization on the basis of ownership, profit motto, that is private sector, public sector and the joint sector. And these are the important features of private sector, that is private ownership. जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट होती है, इंडिविजुअली भी हो सकती है और ग्रुप में भी हो सकती है. सेकंड वन इज प्रॉफिट मोटो, जो मोटिव होता है उनका प्रॉफिट को अर्न करना होता है. थर्ड वन इज नो स्टेट पार्टिसिपेशन, किसी भी तरह का स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करता, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट. प्राइवेट फाइनेंस, जो फाइनेंस होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में पर्सन इंडिविजुअली लाया जाता है, पार्टनर्स में, पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाता है. और जो जॉइंट सेक्टर्स होते हैं उसमें जो भी शेयर्स होते हैं कैपिटल लोन्स को इशू करके लिए जाते हैं. इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट में तो मैनेजमेंट जो होती है वो इंडिपेंडेंटली, सोल प्रोप्राइटरशिप में वो सिंगल पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्टनरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइड हो जाती है. और जो आपका जॉइंट सेक्टर होता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू और वही सारे चीज़ों को मैनेज करता है. पब्लिक सेक्टर जो होता है वो आपका गवर्नमेंट के थ्रू होता है, गवर्नमेंट रन करती है इसको, ये चाहे तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट को रन, स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है. सेकेंड वन इज गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें जो फुली कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है. थर्ड वन इज सर्विस मोटो, इनका जो मोटो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है और कभी कभी इसमें दे मे इनकर लॉस, उनको लॉस भी हो जाता है. फोर्थ वन इज स्टेट फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग को कैसे किया जाता है, इसमें लोन के थ्रू और जो एक्सचेकर होते हैं उनको चेक देकर लोन प्रोवाइड करके इस टाइप से फाइनेंस अरेंज होता है. फिफ्थ वन इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन इन विच पब्लिक सेक्टर आर रन, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर आप रन करती है. थर्ड वन इज ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर आर दैट सेक्टर इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेसमैन आर रन, यानी इसमें तीनों ही तरह के लोगों का पार्टिसिपेशन होता है. फर्स्ट वन इज मिक्स्ड ओनरशिप, मिक्स्ड ओनरशिप इसमें जो ओनरशिप होती है उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, प्राइवेट बिजनेसमैन और पब्लिक का भी. थर्ड वन इज कंबाइंड मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है वो तीनों में इसमें कंबाइंड होता है, गवर्नमेंट का भी मैनेजमेंट होता है, प्राइवेट बिजनेसमैन और पब्लिक. थर्ड वन इज शेयर कैपिटल, द कैपिटल और शेयर बिटवीन दैम 26% ऑफ गवर्नमेंट, 25% इज प्राइवेट बिजनेसमैन एंड 49% इज फॉर पब्लिक. Now after completing the chapter, come to the book exercise. The first one is classify the commercial organization on the basis of ownership. You have to classify the commercial organization on the basis of ownership. So first one is, as I told you in the explanation of the chapter, that is the private sector which is governed by the individually or private pupils, persons. Second one is public sector that is owned by the government. And third one is joint sector enterprise, that is government, the government run by the government, private businessman and the public. Second one is, next question, give two examples of joint stock sector enterprises in India. You have to write down the two examples of joint sector that is in India. So Indian Oil Corporation and Cochin Refineries are the two examples of joint sector enterprises in India. So come to exercise. Firstly, short answer question. What is the private sector enterprises? आपको बताना है स्टूडेंट private sector enterprises क्या होता है. Second one is define joint sector. Joint sector को आपको define करना है कि joint sector क्या होता है. Third one is what is the public sector enterprises? आपको public sector enterprise, you have to write in short way to three or four lines only define meaning. Fourth one is what is the mixed ownership? Mixed ownership क्या होती है. Fifth one is what is meant by state ownership? State ownership वो होती है जिसमें केवल state का participation होता है. Sixth one is what is a
पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या होती है ये आपको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करना है मीनिंग के थ्रू. नाउ कम टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज गिव द मेन फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. यू हैव टू राइट द मेन फीचर्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज. सी स्टूडेंट लुक एट द पेज नंबर 28 एंड दीज आर द मेन फीचर्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज. प्राइवेट ओनरशिप, प्रॉफिट मोटो, नो स्टेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट फाइनेंस एंड द इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट. स्टेट द फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. आपको पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के फीचर्स बताने हैं. फर्स्ट वन इज स्टेट ओनरशिप, गवर्नमेंट कंट्रोल, सर्विस मोटिव, स्टेट फाइनेंसिंग, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस. सो राइट डाउन एनी 3 or 4. Describe the main features of joint stock sector enterprises. You have to define, write the main features of joint stock enterprises. As you know, student, come to page number 29. See, mixed ownership, combined management, and the share capital are the some important features of the joint sector enterprise. Give 3 examples of private sector enterprise. आपको private sector enterprises के 3 examples लिखने हैं. Fifth one is give 3 examples of public sector. You have to write down the 3 examples of public sector. And sixth one is last, give 3 examples of joint sector. और 3 examples ही आपको joint sector के लिखने हैं. Last is classify the following into private sector, public sector and joint sector enterprise. These are the some organization you have to find out the which one is private sector, which one is public sector and which one is joint sector. So student, try to do yourself last 4 questions, that is 4, 5, 6, 7. If there is any query regarding this chapter, you may ask me. Thank you.